सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और ये रात के 1 बज रहे हैं। मैं 1 बजे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आज सुबह में ही आप सभी को मैंने बताया था कि रेलवे ग्रुप डी का और एएलपी का दोनों एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं बोल दूं, इस वीडियो में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक वीडियो का, बिकॉज रेलवे एएलपी और ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है हमारे चैनल पर, A to Z सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है बाय चांस तो 7 बजे आप मैथ का क्लास ओपन कर देख लीजिएगा सक्सेस की 98 चल रहा है कि नहीं चल रहा, डेली चलेगा। और 5 बजे जनरल साइंस, 9 बजे रीजनिंग और जीके। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इस सुबह में मैंने वीडियो बनाकर दिया था, फिर भी वीडियो पे बहुत सारा कमेंट्स ये आया था कि भैया रेलवे ग्रुप डी का तो नहीं दिखा रहा है स्टेटस। और मैंने बार बार आज सुबह के सारे क्लास में बार बार बोल रहा था कि रेलवे ग्रुप डी का स्टेटस एप्लीकेशन अपलोड कर दिया गया है, फिर भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं भैया एएलपी का नहीं दिखा रहा है तो ग्रुप डी का नहीं दिखा रहा है। आप देखो, मैं डिटेल में आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये तो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख रहे हैं ना, rrbahmedabad.gov.in। देखो आप जैसे ही नीचे आएंगे आप देख रहे हैं लेवल 1 लिखा हुआ है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। उसके जस्ट नीचे लिखा गया है आवेदन की स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस ग्रुप डी वाला। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद कैंडिडेट लॉगिन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपने जिस आरआरबी से फॉर्म फिलअप किया है, यानी अहमदाबाद से, अजमेर से, इलाहाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जिस भी आरआरबी रीजन से फॉर्म फिलअप किए हैं आप उस पर क्लिक करिएगा। मान लीजिए कोलकाता पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करते ही हमारे पास ये पेज खुल गया। अब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, अगर आप भूल गए हैं तो आपके ईमेल में जरूर होगा, आप जाकर देखिए जीमेल में, या फिर आपके फोन में जरूर मैसेज जरूर आया होगा। आपको डेट देना है और कैप्चा जो नीचे दिया गया है ये वाला यहां पर एंटर करना है और लॉगिन हो जाना है, ठीक है। आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हुआ है या फिर एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं कि एएलपी का, ठीक है, तो जैसे ही नीचे आएंगे ना तो एएलपी का भी दिखा रहा है आवेदन की स्थिति और एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते ही आपके पास ये खुल जाएगा। लेकिन ये ओपन होने के बाद आपको आरआरबी रीजन दिखाई नहीं देगा, आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है, एएलपी वाले स्टूडेंट को बोला जा रहा है, आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त उस स्टेट के लिए आपको ओपन करना है। मान लीजिए गुजरात के लिए आपने अप्लाई किया है तो गुजरात ओपन कर रहे हैं। गुजरात ओपन करते ही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ये जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिखा रहा है ये कोड देना है और लॉगिन करना है, आपको दिखा देगा, बहुत सिंपल है। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि ग्रुप डी और एएलपी दोनों के लिए आया है। सुबह से मैं स्टूडेंट को बार बार वीडियो में कमेंट दे रहा हूं, रिप्लाई दे रहा हूं कि दोनों के लिए आया है, फिर भी वीडियो पर भी कमेंट आ रहा था भैया ग्रुप डी का नहीं आया। देख लीजिए दोनों दिखा रहा है, अपना एप्लीकेशन स्टेट चेक कर लीजिए। आई होप सभी का एक्सेप्टेड हो गया होगा, ठीक है।